हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आ गई हूँ इन्फोसिस गेट 6। ये मैंने वीडियो तब शूट किया था जब मैं फ़र्स्ट टाइम इन्फोसिस कैंपस आई थी। तो यहाँ पर इन्फोसिस, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो DC, तो यहाँ पर एम्प्लॉय केयर सेंटर जो होता है ECC, वहाँ पर 7 डेज स्टे फ्री मिलता है। तो मैं वही अवेल करने आई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर अंदर आते ही यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ होते हैं वो सारे हमारे जो लगेज रहता है वो स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद एक टेम्प्रेरी ID कार्ड बनाकर हमको देते हैं। सो बेसिकली उस ID कार्ड के थ्रू ये लोग हम लोग को इन आउट करने में जो सिक्योरिटी चेक इन होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो जैसे ही हमारा सिक्योरिटी स्कैन होने के बाद हमारा जो लगेज होता है उसको एक गाड़ी होती है, ये जो सामने दिख रही है, इस पर रखा जाता है और ECC जो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ तक हमें ड्रॉप किया जाता है। तो ये वो गाड़ी रहती है जिसमें पूरा लगेज रखा जाता है। और अब जो फर्स्ट टाइम बैंगलोर नहीं, इन्फोसिस के किसी भी DC में आई थिंक ये अवेलेबल है। मोस्ट प्रॉब्ली आई नो कि ये बैंगलोर और हैदराबाद DC में तो है, आई थिंक ये अदर DCs में भी अवेलेबल है। और ये इन्फोसिस कैंपस का फर्स्ट फर्स्ट विजिट जो मैंने किया था उसका वीडियो है। तो मैंने इन्फोसिस बैंगलोर ऑफिस में ECC के लिए एप्लीकेशन दिया था। बेसिकली इसमें एक साइट होती है जिसमें जाके अप्लाई करना होता है और मैनेजर यहाँ पर अप्रूव करता है। उसके बाद आप 7 दिन के लिए यहाँ रुक सकते हो। तो यहाँ बस ECC कैंपस में बेसिकली ये होता है कि एक बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये वो बिल्डिंग है जिसका यहाँ पर बेसिकली एक साइकिलिंग पॉइंट होता है। ये वो बिल्डिंग होती है जहाँ से देखिए, तो था वो मेरा मेरा रूम था, तो मुझे पता है कि ये वाली बिल्डिंग होती है। बाकी हमें इसे घूम कर जाना पड़ता है। यहाँ पर साइकिलिंग पॉइंट है जहाँ से आप साइकिल ले सकते हैं। मैंने तो बहुत साइकिलिंग की यहाँ पर। फिर ये रात में कुछ ऐसा नज़ारा है जहाँ पर आई थिंक ये रात के 1:30 बजे के बीच का टाइम है, ये जब हम लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए लॉ टेरेंस का रेस्टोरेंट है। ये देखिए यहाँ पर एक प्यारा सा बिल्ली जा रहा है, तो मैं इसको शूट कर लेती। बड़ा प्यारा लग रहा है ऐसे रात में इसको देखना। तो ये लॉर्ड टेरेंस का जो रेस्टोरेंट है वो है। तो ये ECC की जो बिल्डिंग है उसके जस्ट नीचे में है ये। अगर आपको कुछ खाना है तो आप यहाँ पर खा सकते हैं। देन उसके बाद बस हम लोग वॉक करते हुए आगे जाते हैं और बेसिकली उस गाड़ी में जा सकते हैं, बट वी डिसाइडेड कि हमको वॉक करना है थोड़ा सा, क्योंकि मैं ट्रेन से आई थी, ऑलमोस्ट 2 दिन का सफ़र, तो कुछ समझ नहीं आता, लाइक कम्प्लीटली ब्लाइंड थी मैं। तो ये कुछ ऐसा व्यू था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो इस सिटी में कुछ तो है अपना, कि हम कहीं से थक कर आए हैं और हम जाके रिलैक्स कर सकते हैं कहीं पर। तो ये इन्फोसिस की बहुत अच्छी फैसिलिटी लगी मुझे। ये देखिए व्यू, बड़ा ही प्यारा सा व्यू है यहाँ पर। और ये है हमारी ECC बिल्डिंग की बैक साइड का व्यू है। और ये उन्होंने हमारा लगेज ECC में रख दिया था, उसके बाद गाड़ी वापस से आ रही थी तो मैंने ये ले लिया था। और ये है हमारा ECC की बिल्डिंग। ये देखिएगा, इस बड़ा अच्छा लग रहा है। इस अनजान शहर में कुछ तो अपना है, जब आओ स्टार्टिंग में आपके पास कुछ ना रहे तो ऐसा कुछ मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ओवरवेलमिंग तो फेस फील होता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मैं बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऑलमोस्ट थके हुए हैं। और ये यहाँ पर रिसेप्शन का क्लिप मैंने छोटा सा ऐड किया था। फिर मुझे जो रूम नंबर मिला हुआ था वो 2nd फ्लोर में था, 201। तो ये मैंने लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद आपको कुछ ऐसा व्यू मिलता है। और ये नेक्स्ट डे हो गया है, नेक्स्ट डे मैंने चेंज करके वैसे थोड़ा सा मैंने सोचा शूट कर लूँ यहाँ पर। आई थिंक इन 1 फ्लोर विल हैव मोर देन 100+ रूम्स अवेलेबल। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा व्यू रहता है लिफ्ट के बाहर। अगर लिफ्ट नहीं आ रही तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर बैठ के काम भी कर सकते हो। और ये VIP रूम्स होते हैं, आई थिंक ये स्पेशल गेस्ट के लिए होते हैं। बाकी जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें आई थिंक नॉर्मल रूम ही प्रोवाइड होता है जो मुझे मिला हुआ था। और ये हर थोड़ी दूर में आपको ऐसा बना हुआ मिलेगा, सोफ़ा वगैरह लगा रहता है, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। फिर ये देखिए आई थिंक ये जो होता है ये सिंपल रूम होते हैं जो बेसिकली हमें मिलते हैं। जो ब्राउन कलर का मैंने दिखाया था वो आई थिंक VIP रूम होते हैं, आई थिंक सब बिजनेस क्लाइंट्स के लिए होते हैं। और यह देखिए हर लिफ्ट के सामने में कुछ ऐसा व्यू होता है जहाँ वेट कर सकते हो, या फिर कोई आ रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ ऐसा। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी लगी मुझे। फिर ये देखिए लास्ट में मेरा रूम था।
इस यहाँ बस ये था मेरा रूम जो मुझे मिला हुआ था। मेरा रूम 7 दिन के लिए मुझे मिला हुआ था, तो ये मेरा हुआ। देन चलिए ओपन करते हैं, चलते हैं एक बार रूम टूर देते हैं इसका। तो यहाँ पर सब जैसे एंटर करोगे यहाँ पर सबको अलमारी मिल जाती है। फिर ये देखिए मिरर, अगेन आई एम गिविंग पोज वेल सी मिरर। यहाँ पर हेयर ड्रायर होते हैं, लॉन्ड्री बैग होता है जहाँ पर सब अपने कपड़े धोने के लिए दे सकते हो। फिर क्योंकि यहाँ का वॉशरूम मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा कंसर्न मेन होता है कि वॉशरूम। और यहाँ पर अगेन देखो मिरर देखते ही, मतलब एक बार पोज देना तो ज़रूरी है कि हाँ मैं मिरर देख रही हूँ। तो यहाँ का वॉशरूम बड़ा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग परफेक्ट। फिर यहाँ पर आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पर इसका जो टी सेक्शन था, टी कॉफ़ी सेक्शन आप जो भी बोलो, यहाँ पर एक केटली दी हुई है उन्होंने, उसमें हमको वाटर बॉयल करके जो भी टी कॉफ़ी बनाना चाहते हैं उसके लिए वो फैसिलिटी थी। और एक छोटा सा फ्रिज था जिसका मुझे कोई यूज़ समझ नहीं आया। और ये देखिए मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया है, क्योंकि नेक्स्ट डे का था तो आई वॉज़ वर्किंग दैट डे। और यहाँ बस ये ऐसा व्यू था। तो इसमें इन एक रूम में 2 लोग को स्टे रहता है, और यहाँ पर वो लोग प्रेस वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर फ़ोन भी रहता है, और अब नंबर्स भी लगे रहते हैं वहाँ पर। आप किसी को कुछ खाना है, ऑर्डर करना है तो वो कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मुझे लगा, ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा था ये देखने में, ये था यहाँ का विंडो। तो यहाँ का विंडो से आप देखो, इस जो रूम की स्पेशलिटी थी वो ये थी कि यहाँ के रूम से आपको डायरेक्ट गेट 6 के लुक दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने जस्ट कर्टन हटाए और यहाँ पर मुझे गेट 6 से जो भी आने वाले लोग थे वो मुझे दिख रहे थे। रिसाइकलिंग पॉइंट जो स्टार्टिंग में दिखाया था, उसके बाद ये देखिए मैंने नीचे का क्लिप थोड़ा शूट किया रिसेप्शन का। तो ये रिसेप्शन जहाँ पर आप एंटर करोगे इसी में, उसके बाद में आपको यहाँ पर चेक इन के लिए रूम के की वगैरह देते हैं। ये वाला सेक्शन है। इसके बाद ये जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ, कुछ खाना था मुझे। तो ये अगर कोई भी फर्स्ट टाइम इन्फोसिस विजिट कर रहा है तो वो डेफिनेटली इसको अवेल करे, क्योंकि ये हमको फ्री सर्विस रहती है एज इन्फोसिस एम्प्लॉय। बस इसमें मैनेजर का अप्रूवल लगता है, देन यू विल गेट 7 डेज स्टे फॉर फ्री। तो इसमें जो होता है सिर्फ स्टे फ्री रहता है, फूड इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है, तो फूड आपको बाहर से ही खाना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा वेल मेंटेन्ड है, मतलब बड़ा अच्छा फील आ रहा था यहाँ पर देखने में। और ये था वो इम्पॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पर वेल्डिंग मशीन लगी हुई होती है। इसमें लाइक वी कैन गेट ऑल द स्नैक्स, एंड द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट हैपन विथ मीस कि आई टुक समथिंग फॉर 25 रुपीज़, आई डिड अ पेमेंट एंड माई अमाउंट गॉट डिडक्टेड। उसके बाद जो मेरा स्नैक था वो निकल ही नहीं रहा था, देन आफ्टर सम टाइम आई रेज्ड अ कंप्लेंट। कंप्लेंट रेज करने के बाद मुझे वो स्नैक्स ऑटोमेटिक बाहर आ गई उस मशीन से, आई थिंक देयर वाज सम इशू इन दैट। फिर मुझे बाद में वो 25 रुपये भी मिल गए और मैंने उसका स्नैक्स भी खा लिया था। और ये देखिए वहाँ पर वाटर फिल्टर लगा हुआ है। और ये देखिए नेक्स्ट डे अगेन सी इज़ वेटिंग फॉर मी टू शूट, हाउ नाइसली सी स्लीपिंग। हाँ शी वेक अप। अभी ये चली मैडम, पता नहीं कहाँ जा रही है या जा रहा है, डोंट नो। अरे देखिए आई थिंक ये 2nd डे का था जब मैंने साइकिलिंग किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब मैं साइकिल से स्कूल जाती थी। तो अभी तक साइकिल मुझे हैबिट है, क्योंकि मुझे नॉट गुड इन ड्राइविंग, बट साइकिल एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कॉन्फिडेंट होकर चला लेती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। और यहाँ पर मुझे डेली लाइफ यूजली आई डू दिस, साइकिल पकड़ के बस एक राउंड कहीं से भी लगा के आ जाओ। इंस्टेड ऑफ गोइंग फूड कोर्ट आई प्रेफर टू गो साइकिलिंग। तो ये यहाँ बस मेरी फ्रेंड बोल रही है यू कैन ड्राइव इन 1 एंड आल्सो शुड डू सम एक्शन, तो मैंने यहाँ करने में भी मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो बस ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। और आगे ऐसे कंटिन्यू सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ बी विथ मी इन द नेक्स्ट वीडियो। I'll post it soon.